गैंगरेप के मामले में फरार आरोपी के कार्यालय पर तुकोगंज पुलिस ने छापा मारा, जिसमें पुलिस को कई आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ हिडन कैमरे भी मिले हैं। 100 करोड़ का लोन घोटाला कर फरार हुए आरोपी गुरदीप चावला और रिक्की चावला के खिलाफ गैंगरेप के मामले में तुकोगंज पुलिस ने इनके ऑफिस पर छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने उनके जंजीरवाला चौराहा स्थित ऑफिस में कई आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ कैमरे भी मिले हैं। गुरदीप चावला और रिक्की चावला के खिलाफ फर्जी लोन के मामले 5 दर्ज हैं। वहीं एक लड़की ने इन दोनों बदमाश भाइयों पर बलात्कार और गैंगरेप का मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इसी मामले की जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने जंजीरवाला चौराहा स्थित कार्यालय में छापामार कार्रवाई की थी। जांच के पश्चात बड़ी संख्या में आपत्तिजनक वस्तुएं, महिलाओं के वस्त्र, कैमरे आदि बरामद हुए। फिलहाल पुलिस दोनों ही आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक आज दफ्तर में दबीज दी गई और वहाँ पर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं। एक दुष्कर्म का केस है जिसमें गुरदीप चावला और रणदीप चावला दो लोग आरोपी हैं। इनकी तलाश में इनके दफ्तर को हमने दबीज दी थी। ये 502-504 मैग्नेट टावर पे है। वहाँ पर कई सारी आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जिसमें महिलाओं के अंतर्वस्त्र हैं, कुछ हिडन कैमरे हैं और कुछ अश्लील वस्तुएं भी वहाँ पर मिली। सर, दिल्ली भी आपने दो तीन बार जो है इसकी तलाश की? दिल्ली में हमारी टीम गई थी और लगातार हमारी टीमें इसकी तलाश कर रही हैं और हम जल्दी इसको गिरफ्तार कर लेंगे।